बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, हर्ष भी हो रहा है कि यहाँ पे जब मैं मेयर बनी उसके बाद जब हम निरीक्षण के लिए यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे, तो DRM मुरादाबाद सिंगल जी थे उस समय, वो यहाँ पे मौजूद थे उस दिन, और उनसे मैंने आग्रह करा था कि ये योग नगरी है, यहाँ पे ये धर्म नगरी है, तीर्थ नगरी है, इसको कुछ ऐसे नाम हम दे सकते हैं, तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पे इन बोर्डों को हटा के योग नगरी के नाम से इसको संचालित करें। तो तुरंत उन्होंने इसमें बहुत गंभीरता से मेरी बात को लिया, उनका तुरंत लेटर आया मेरे नाम से, और उसके बाद मैंने एक आनन फानन में बोर्ड की बैठक बुलाई ताकि वो हमेशा के लिए मजबूती हो जाए, और बोर्ड बैठक सिर्फ हमारे आप यकीन करोगे तो सिर्फ एक सिंगल प्रस्ताव के लिए वो बोर्ड बैठक थी कि जिसमें कि सभी सम्मानित पार्षदों ने बोर्ड में, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि एक स्वर में जो तीन नाम मैंने अपनी तरफ से प्रस्ताव में रखे थे, ये देवनगरी रेलवे स्टेशन या इसमें तीर्थ नगरी या फिर योग नगरी, तो योग नगरी पे सभी की सहमति बनी और आज वो योग नगरी रेलवे स्टेशन जो हमने बोर्ड में प्रस्ताव पास करा, आज वो योग नगरी के नाम से हमें भी बहुत सुनने में भी अच्छा लग रहा है, जो लोग आएंगे हर जगह कागज़ों में भी हर जगह बोर्डों पे योग नगरी ऋषिकेश लिखा हुआ रहता है, जो कि विश्व की राजधानी है योग ऋषिकेश, कोई भी देश होगा कोई भी चीज़ होती है तो विश्व की कोई भी राजधानी हो, एक देश की राजधानी हो सकती है लेकिन ऋषिकेश हमारा ऐसी जगह है जो कि पूरे विश्व की राजधानी है, तो योग नगरी यहाँ पे पूरे विश्व इसमें कैपिटल यहाँ पे है, उसके नाम से हमारा रेलवे स्टेशन संचालित हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी खुशी हमें आज यहाँ पे है।